यहाँ पे GS1 के कोट हैं, किसी ने कोई भी कोट बोला, जैसे BR अंबेडकर ने कुछ बोला था, गांधी जी ने बोला था। मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैं बस पढ़ता हूँ एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो क्लियर हो जाता है फिर उससे मतलब नहीं रहता है मुझे, तो ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बार बार भूलता हूँ, जैसे कोई फैक्ट हो गया या फिर कोई स्कीम का नाम हो गया, जो भी कॉपीज हैं वो मैं पढ़ता था, और ये सारे बुक्स ऐसे फैले रहते थे पूरा यहाँ पे, अभी उसको संभाल के रख रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो सर, हमारे साथ हैं मयंक माधव सर, जिनका 119 रैंक के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC में सिलेक्शन हुआ है। सो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, और ये दिल्ली में नहीं पटना में रहकर अपनी तैयारी करते थे घर पर रहकर, तो इन्होंने UPSC को कैसे क्रैक किया, क्या घर पर रहकर आप भी कर सकते हैं, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी, नोट्स कैसे बनाए, ओवरऑल सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड अटेम्प्ट वगैरह बताइए और मीडियम क्या था। सो एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने इनिशियल स्कूलिंग सीतामढ़ी से कराया, बिहार में ही DAV पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने 11th 12th बोकारो से कराया, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैं IIT खड़गपुर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया और मास्टर्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मीडियम मेरा इंग्लिश है। ओके, सिविल सर्विसेज का कब सोचा था आपने कि IAS बनना है, ये करना? सिविल सर्विसेज का मतलब घर वालों का था कि प्रिपरेशन करे हमेशा, बट मैं हमेशा बोलता था कि यार मुझे नहीं करना है ये सब, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, फिर MBA करना था, जैसा जनरली होता है। बट जब मैं फाइनल ईयर में था और जब जॉब लग गई तो काफ़ी टाइम फ्री टाइम मिलता है फाइनल ईयर में, तो घर वालों का भी था कि एक बार ट्राई करके देखो, और मेरे कुछ दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं बोला अच्छा चलो फ्री टाइम है तो बस देखता हूँ कि है क्या ये। तो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने बस सर्च करना शुरू किया कि इसमें क्या है, इस एग्ज़ाम में कितने स्टेजेस होते हैं और टॉपर्स क्या बोलते हैं, तो ये सारी वीडियोस मैंने देखी थी। बट उसके बाद फिर जॉब मेरी स्टार्ट हो गई, तो एक साल मैंने जॉब किया, उस बीच में मैं प्रिपरेशन नहीं करता था। और फिर 2021 जून से फिर मैंने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सो ऐसे ही मैं आया इस प्रिपरेशन में। ओके, जून 2021, एक साल बिफोर 2022 प्रीलिम्स। ओके, सो अराउंड आपने एक साल ही प्रिपरेशन बोला। सो प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट करी, सो कैसे स्टार्ट हुआ था, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? जैसा मैंने बताया, जब मैं कॉलेज में था तो इनिशियली मैं एक इनिशियल बुक लिस्ट मैंने निकाला था। हाँ। जो टॉपर्स बताते हैं, जैसे मैंने अक्षत जैन सर की देखी थी एक वीडियो जिसमें उन्होंने बुक लिस्ट बताया था। सो वो वीडियो जब मैंने देखा तो मैं भी बुक लिस्ट बनाया, और फिर एक आध बुक स्टार्ट करा मैंने पढ़ना, जैसे ज्योग्राफी की NCERT मैंने स्टार्ट करी पढ़नी, और फिर लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, और इसी तरह और एक आध बुक मैंने स्टार्ट करा। कुछ समझ नहीं आता था उस समय, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है पढ़ना, तो बस यही चीज़ मैंने करी थी। उसके बाद फिर जब मैं फाइनली जब जून में स्टार्ट करा प्रिपरेशन, तो मैंने फिर एक साल अच्छे से कोचिंग करी, और कोचिंग क्योंकि मुझे समझ में दिक्कत होती थी तो मैंने सोचा कोचिंग इज अ बेटर वे, सो कोचिंग करा मैंने, और उसमें से नोट्स बनाए, और फिर उन्हीं नोट्स को मैं पढ़ता था, और उसी तरह से फिर मैंने करा। ये जैसे GS1 के स्कीम्स सारे हैं, उसका मैंने एक वर्ड में लिख रखा था, और ताकि जल्दी जल्दी रिविजन हो सके, ये बेसिकली मेरा कॉपी था, ताकि मैं एक दिन पहले ये देखता था एग्जाम के। ये GS1 के फैक्ट्स हैं सारे इसमें, जिसमें डेटा हो गया, परसेंटेज वाइज डेटा कुछ ऐसा, यहाँ पे GS1 के कोट हैं, किसी ने कोई भी कोट बोला, जैसे BR अंबेडकर ने कुछ बोला था, गांधी जी ने बोला था, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स लगते थे यहाँ पे मैं डाल देता था। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या कमेटी कोई भी हुई तो उसको मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता था, उससे जल्दी रिविजन हो जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं। उसी तरह मैंने GS2 में भी यही कर रखा था, स्कीम्स फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इसी तरह GS3 में भी थे, तो ये सारी चीज़ें यही हैं बस, और कुछ। वेलकम टू माई रूम, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मेरे रूम में क्या क्या है बेसिकली। सो यहाँ पे एक बेड था, इस पर मैं कभी सोता नहीं था, अभी तो ये काफ़ी सजे के रखा हुआ है, बट इसमें ये पूरा फैला रहता था, ये सारे कॉपीज़ हैं मेरे, नोट्स, क्लास नोट्स जो भी हैं, जो भी बुक्स हैं सारे इसमें रहते थे, पढ़ता इसमें से जो भी कॉपीज़ हैं वो मैं पढ़ता था, और ये सारे बुक्स ऐसे फैले रहते थे पूरा यहाँ पे, अभी उसको संभाल के रख रखा है। उसके अलावा यहाँ पे मैं बैठता था पढ़ने के लिए, ये मेरा टेबल था, ये मेरा चेयर था, एक टेबल लैम्प था, जब भी रात होता था मैं लाइट बंद कर देता और बस ये टेबल लैम्प पे पढ़ता था, जिससे कंसंट्रेशन बेटर बनती थी, नहीं तो कंसंट्रेशन तो अपना वैसे ही खत्म होते रहता है। उसके अलावा ये मैप्स है, ये मेरा एक्चुअल खुद का मैप नहीं है, ये मेरे रूममेट का, IIT खड़गपुर में मेरा रूममेट है, तो वो प्रिपेयर कर रहा था मेरे से पहले से, तो उसका मैप था वो छूट गया था रूम में, तो मैं लेके खड़गपुर से यहाँ लेके आ गया। हाँ, तो उस समय लॉकडाउन था, तो वो बोला भाई अपने रूम में ले जा, अपने पास ले जा, तो मैं ले आया, फिर ऐसा था कि मैं भी दिल्ली जाके प्रिपेयर करूंगा, तो वो दिल्ली से प्रिपेयर कर रहा है, तो मैं दिल्ली कभी गया ही नहीं,
तो मेरे ही पास रह गया ये मैप, अब जब भी दिल्ली जाऊंगा तो उसे ये मैप जरूर दूंगा। ये था, और बाकी यहाँ पे मम्मी लोगों ने कुछ कोट लगा रखे थे, मैंने बोला पीछे लगाओ इसको, मुझे कोट से कभी भी कोई इंस्पिरेशन आया नहीं है, तुमको अगर रूम सजाना है सजाओ, कोट पीछे लगाओ। मैं इधर बैठता था, कोट की तरफ आज तक कभी नहीं देखा है, और मुझे पता भी नहीं है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कोट्स वगैरह पे। बाकी ये टेबल है, यहाँ पे मेरे नोट्स रहते थे जो भी सब्जेक्ट वाइज है, और इसी लैपटॉप पे पढ़ते थे अपन, और ये कुछ कुछ जो तुरंत यूज में आया था जैसे सिलेबस हो गया तो इसका मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा था, इसको यहाँ डाल देते थे अपन। बस यही है रूम के बारे में, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे एक चीज था कि यहाँ पे मैंने 450 लिख रखा था, वो था कि लास्ट ईयर ऐसा लग रहा था कि वैकेंसी 450 के अंदर आएंगे तो कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी, तो मैंने ये चिपका रखा था कि भाई 450 के अंदर आ जाइयो, फिर टेंशन कम रहेगा, सिलेक्शन चाहिए था बस, बट उससे अच्छा आ गया। और एक और यहाँ पे लिख रखा था कि अभी अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो 4 महीने और पढ़ ले भाई सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, नहीं तो फिर 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले रिजल्ट आ गया तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है उतनी। तो यही सब है रूम के बारे में, बाकी और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. Kamyabi ki raah par hazaar se bhi zyada nishan. GS Code. Okay. So, अगर हम बात करना चाहें आपके प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स का जब आपने पेपर दिया था उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी? प्रीलिम्स के जस्ट कुछ दिन पहले एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाते हैं तब। सो प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, स्पेशली जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि इसको निकालेंगे कैसे। बिकॉज जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें 10,000 सीट्स होते हैं IIT में, और यहाँ पे फाइनल स्टेज में, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ही 10,000 बच्चे बस सेलेक्ट होते हैं, तो इट वॉज इक्वल टू क्रैकिंग दैट। सो मुझे काफ़ी टेंशन था कि ये कैसे क्लियर होगा ये स्टेज, और इसमें क्वेश्चंस भी वैसे आते हैं कि जिसमें आप 100% श्योर नहीं होते हो, थोड़ा आपको लॉजिकल गेस करना होता है। सो मैं January 2022 से प्रीलिम्स फोकस मैंने शिफ्ट कर दिया था अपनी प्रिपरेशन को। मेरी क्लासेस भी साइड बाय साइड चल रही थी, ऑप्शनल की भी और GS की भी। मेरी क्लासेस अबाउट 1 महीने पहले प्रीलिम्स के ओवर हुई थी, सो जो भी टाइम मिलता था मैं प्रीलिम्स के लिए देता था। मैंने बेसिकली अपने जितने भी नोट्स थे GS के सबको Q&A फॉर्मेट में कर लिया था, यहाँ पे मैंने वो रखा भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसमें मैं सारे को Q&A फॉर्म में कर लिया था, सारी चीज़ों को, और बस उन्हीं को मैं लिखता था और उन्हीं को सॉल्व करता था, तो इससे जल्दी मेरा सारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाता था। एंड इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2021 के सारे क्वेश्चंस को मैं डेली एक बार बैठता था, और 1 साल का क्वेश्चन लगाया, फिर अगले दिन 1 साल का लगाया, और एक दिन टेस्ट सीरीज लगाता था हर अल्टरनेट डे पे। तो इस तरह से मैंने करा था, और आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू क्लियर प्रीलिम्स। सो एवरेज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे? जहाँ तक मुझे याद है 85-87 मैंने अटेम्प्ट करा था, और दिस इज सफिशिएंट। इससे नीचे जनरली यू शुड नॉट अटेम्प्ट, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरी नहीं थी, सो मैंने सोचा कि इतना ही करते हैं, और अगर आपकी कैसी भी एक्यूरेसी है आई गेस कि 85 आपको करना सोच के पहले से ही गए थे कि 85 तो लगाने हैं मिनिमम, उसके ऊपर जितना होना 85 के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या कट ऑफ होने वाली है। ओके, ऐसा तो नहीं तुक्का मार दिया वो सब निकल गया? नहीं, ब्लाइंड देखो, ब्लाइंड गेस तुम मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें कुछ भी नहीं पता। हाँ। तो वो छूटना ही है, वो मैंने नहीं करा था। एटलीस्ट अगर मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाता था तो ही मैं लाइक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, और ऐसे 12 से 15 क्वेश्चन बचे थे जिसमें कुछ नहीं पता था, उसको मैं बोला भाई इसको रहने दो और आगे देखा जाएगा बाद में जो होगा। अच्छा, सीसेट को तो फिर कुछ टाइम ही नहीं दिया होगा, इंजीनियर बैकग्राउंड है तो सीसेट तो ऐसे ही हल्के में वैसे ही लोग लेते हैं, और आप तो बिल्कुल ही नहीं। मैं हल्के में ही ले रहा था, बट जब मैं वीडियोस देखता था कुछ लोगों का कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है फिर भी सीसेट रुक जा रहा है, तो लगा यार ये थोड़ा टेंशन वाली चीज हो सकती है, तो मैंने बट थोड़ा ही किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम भी नहीं रहता है कुछ करने का, और तो मैंने सीसेट के लिए एक ऑफलाइन टेस्ट दिया था बस, और एक दिन पहले मैंने 2021 का पेपर बैठ के दिया था, तो ये 2 चीज मैंने करा था सीसेट के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और प्रीवियस ईयर, सो ये कब से लगाना स्टार्ट करा था? जैसे एग्जाम है ना, और उसके पहले हमें ये सब लगाने होते हैं, लेकिन सिलेबस भी तो कवर होना चाहिए, तो सिलेबस कवर होने के पहले ये सब लगाने लग गए। कई लोग होते हैं कि 1 साल जैसे आपने प्रिपरेशन में दिया, तो मुझे लगता है कि 1 साल तो पूरा सिलेबस होने ही में लग जाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे तो फिर वो
आई थिंक सेट नहीं बैठेगा. नहीं नहीं, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको सबसे पहले तो दो चीज़ें, एक टेस्ट सीरीज है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उसी समय से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप की क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी. तो आप एक कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्यू एन ए दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का. सो मैंने एक बुक ऐसा मंगा लिया था एंड जो भी सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ या फिर जितने भी पोर्शन उसके कंप्लीट हुए, सो मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था एंड उससे आइडिया लगता था कि क्या क्या आ रहा है. सो ये मैंने अबाउट अगस्त सितंबर से स्टार्ट कर दिया था 2021 के. एंड इसके बाद फिर टेस्ट सीरीज की जहाँ तक बात है, टेस्ट सीरीज मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था दिसंबर 2022 में, 2021 में ना, 2021 में दिया था. और उसके बाद ही मैं फिर हर हफ्ते एक टेस्ट सीरीज देता था और जैसे जैसे प्रीलिम्स क्लोज आता गया तो हर दिन एक एक देने लगे थे फिर. ओके, सो प्रीलिम्स ओवरऑल आपको क्या लगता था, प्रीलिम्स अब देने दिया नहीं था आपने फाइनल कि प्रीलिम्स ही मेन है, जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस का कुछ नहीं किया जा सकता है और पहले मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ाई करूँ. हाँ, सो जैसे ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा एक साल प्रीलिम्स के बस प्रीलिम्स ही पढ़ा था. अबाउट सिक्स मंथ्स मैंने मेंस को दिए थे जिसमें मैंने ऑप्शनल कंप्लीट किया और आंसर राइटिंग में मैं करता था डेली, एटलीस्ट एक से दो आंसर मैं लिखता था और वो सब्जेक्ट वाइज लिखता था. कभी एस से लिख लिया, कभी जी एस फोर लिख लिया, कभी करंट अफेयर्स का कोई लिख लिया, जी एस टू जी एस थ्री, इस तरह से मैं लिखता था. एंड जब ये जनवरी से फिर मैंने प्रीलिम्स फोकस कर दिया था, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि प्रीलिम्स को एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो दो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में. ओके, और मेंस के बारे में बताइए कि मेंस को आप कैसे अप्रोच रहती थी या फिर जनरली क्या अप्रोच होनी चाहिए पहले, इसके बारे में बताइए. मेंस के लिए सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं, एक प्रीलिम्स में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें वो अबाउट 50% होती हैं जो मेंस में आ रहा है, बाकी नई चीज़ें आ जाती हैं 50%, जैसे जी एस फोर हो गया, एस ए हो गया और पूरा ऑप्शनल हो गया आपका, तो ये सारी नई चीज़ें हो जाती हैं. तो जब आप प्रीलिम्स दे के निकलते हो उसके बाद योर फोकस शुड शिफ्ट टुवर्ड्स मेंस, जिसमें आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करो. अगर कुछ रह रहा है तो जैसे मेरा अबाउट 5% ऑप्शनल रह रहा था तो मैंने उसको कंप्लीट किया और वर्ल्ड हिस्ट्री थी उसको भी देखना था वो मैंने करा और फिर एथिक्स बहुत सारी चीज़ें थी उसमें मैंने जनरली क्लास नोट्स पे ही मैं रिलाइक करा था उसको रिवाइज किया. इस तरह से ऐसे बहुत सारे लिखे इस बीच में. सो मेंस के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी पोर्शन आपके छूट रहे हैं उसको आप करो और बाकी जी एस टू जी एस थ्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने प्रीलिम्स में पहले ही कर रखा है. सो हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं कि जी एस टू में एकदम साइंटिस्ट बन गए, जी एस थ्री में बन गए. लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें दे देते हैं और इस तरह से इस वजह से उनका जी एस फोर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज होता है ऑप्शन, क्योंकि लिमिटेड टाइम है. तो यू शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, जब एग्जाम हॉल में जाते थे और जो टाइम गैप है बहुत कम ही रहता है, हर एक दिन में दो दो पेपर देने होते हैं और लगातार 4-5 दिन देने होते हैं, तो वो कैसे मैनेज. टाइम गैप जो रहता था 1.5 से 2 घंटे मिलते थे, सो उसमें मैं सबसे पहले तो जो लंच लेके गया वो मैं करता था आराम से, कुछ नहीं पढ़ता था उस बीच में. और उसके बाद एक से डेढ़ घंटा मिलता था, उसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बार बार भूलता हूँ, जैसे कोई फैक्ट हो गया या फिर कोई स्कीम का नाम हो गया, कोई कोर्ट जिसने बोला है उसका नाम हो गया, जो भी चीज़ आप भूल सकते हो उनका मैं एक लिस्ट बना लेता था 1 से 2 पेज में, भर भर के बढ़िया से लिख लेता था और वो 1.5 घंटे में बस मैं वही पढ़ता था कि बाकी चीज़ें याद रहना, याद तो रहेंगी, ये भूलने का ज़्यादा चांस है. और ऐसा हुआ भी था कि लाइक एंथ्रोपोलॉजी का मैं एक दिन जिस दिन जा रहा था सेंटर पे उसी दिन मैंने 4-5 नाम पढ़े थे और फिर मैं सेंटर पे जब एग्जाम लिख रहा था फिर मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा था क्या पढ़ा था अभी जस्ट 2 घंटे पहले, बट फिर बहुत सोचने के बाद याद आ गया था. तो इस तरह की चीज़ें आप जरूर पढ़ो उस समय एग्जाम के टाइम, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है. और लाइक एंथ्रोपोलॉजी में जब गैप मिलता है 1.5 घंटे का तो उसमें याद है मैंने लंच किया, उसके बाद अबाउट 10-15 पेज था जो मुझे रिवाइज करना था, तो 1 घंटे बस मैंने सर झुकाया और उसको 1 घंटे बस पढ़ता रहा, एक बार भी सर नहीं उठाया. और वो बस मुझे याद है कि ऐसे करके मैंने पेपर 2 दिया था और शायद इसी वजह से अच्छे मार्क्स भी आए थे पेपर 2 में. सो यही है, आपको उस बीच में वही चीजें याद रिवाइज करनी है जो आप भूल सकते हो एग्जाम में. राइट, ऑप्शनल में ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजी को काफी स्टूडेंट्स के द्वारा चूज किया जाता है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, तो आपका ये पर्पस था कि ज्यादातर स्टूडेंट ले रहे हैं टॉपर के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर खुद का इंटरेस्ट भी था? दो चीजें थी, एक तो एंथ्रोपोलॉजी में एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट होती है जिसमें आप जेनेटिक्स ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, और ये मेरे को कॉलेज में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है उसमें मुझे पढ़ाया गया था और उसमें अच्छे मार्क्स आए थे मेरे. और मेरे घर में भी डॉक्टर्स वगैरह हैं तो मेरा बचपन से ही थोड़ा बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन था, बट इंजीनियरिंग करना पड़ा वो अलग बात है. सो उससे एंथ्रोपोलॉजी की तरफ एक वो था मेरा, बट
मेन मैंने क्यों लिया एंथ्रोपोलॉजी, वो यही था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला वीडियो मैंने देखा था अक्षत जैन सर का, और वो IIT गुवाहाटी से थे और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था, और उनका बैकग्राउंड कुछ डिजाइन वगैरह का था। तो मैंने सोचा जब ये लेके इतने मार्क्स ला सकते तो मैं भी ले आऊंगा, हम दोनों का सिमिलर बैकग्राउंड है, सो मैंने फिर सोचा यही लूंगा। और उसके बाद फिर मैंने चेंज नहीं किया, मैंने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि कौन सा ऑप्शन कैसा है, क्या पढ़ने में, बस लेना है उसको कंप्लीट करना है और मार्क्स लाने। सो यही था मेरा। राइट, और करंट अफेयर्स का क्या सोर्स रहा आपका? सो करंट अफेयर्स के लिए पहले एक मंथली बुकलेट आता है, वो बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो शुरू में मैंने एक महीने तो वैसे ही करा था, बट उसके बाद फिर जहाँ से मैं कोचिंग करा था वाजीराम से, वहाँ पे करंट अफेयर्स क्लासेस होते हैं जिसमें दीपिन दामोदरन सर और जयंत परीक्षित सर कराते थे करंट अफेयर्स। सो मैं फिर ये बुकलेट पढ़ना छोड़ दिया और बस उनकी क्लासेस करता था, उसी की नोट्स बनाता था और वही पढ़ के गया था मैं। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था करंट अफेयर्स से, क्योंकि बेसिकली करंट अफेयर्स आपका मोस्टली प्रीलिम्स और GS2 GS3 के लिए यूजफुल रहता है, एंड बाकी आपको और भी चीज़ें करनी होती है तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पर रिलाय मत करो, और इस तरह से आप कवर कर सकते हो। और बाकी न्यूज़पेपर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर यू शुड नॉट लीव, बिकॉज ये आपके बस प्रीलिम्स में ही नहीं, आपके मेंस में बहुत हेल्प करता है एग्जांपल्स फाइंड आउट करने के लिए, जो आपको ये बुकलेट्स में या फिर क्लासेस में नहीं मिलेंगे आपको। ड्यूरिंग वन ईयर प्रिपरेशन आपका रिविजन साइकिल क्या रहा है, रिविजन क्या मतलब क्या टारगेट रहता था? हाँ, तो जैसे मेरा है कि मैं पढ़ता हूँ और बहुत जल्दी भूल जाता था मैं। सो मैंने सोचा था कि यार रिवीजन तो अच्छे से करना है, तो मैं क्या करता था, जब भी जिस दिन क्लास हुआ उस दिन आके उसको पहले एक बार रिवाइज किया, फिर अगले दिन फिर उसी को रिवाइज करता था, और अगले बार जब उस सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है तो उससे पहले एक बार उस अब लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेता था। तो एक बार तो ये रिवीजन हो जाती थी। इसके अलावा एक और रिवीजन मैं करता था कि हर 21 दिन पे मैं जो 21 दिन पहले पढ़ा था नेक्स्ट 21 दिन में उसको एक बार पढ़ लेता था। तो मैंने लिस्ट बना रखी थी कि आज ये चीज़ पढ़ाई हुई है, इसको 21 दिन बाद पढ़ना है। तो इस तरह से मैं एक बार एक तरह से 4-5 बार रिवीजन हो जाता था मेरा। उसके बाद प्रीलिम्स के पहले यू रिवाइज 2-3 बार, फिर मेंस के पहले यू रिवाइज, तो इस तरह से काफी रिवीजन हो जाता है। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट कौन से रहे आपके वैसे? यार मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैं बस पढ़ता हूँ एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो क्लियर हो जाता है फिर उससे मतलब नहीं रहता है मुझे, तो ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था मेरा। बट ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उसमें काफी नई नई चीजें आप पढ़ते हो, सो यही था। ओके, सो ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी टाइम ये लगता होगा, डिमोटिवेशन आ जाता होगा, पढ़े नहीं पढ़े और पता नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से इधर आ गया हूँ, तो इन सब चीज़ों को कैसे डील करते थे? जैसे सिंस मेरा मैं कोचिंग कर रहा था तो डेली एक रूटीन बना हुआ था कि ये चीज़ें करनी है, तो ये साइकिल में जब आप घुस जाते हो तो आप डेली एक एक चीज़ करते रहोगे, तो फिर आपको वो दिमाग में नहीं आता है कि मेरा होगा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी रहती है। सो जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैंने एक बार देखा था एक प्रदीप कुमार करके हैं, जो 2019 में उनका 50-something रैंक आया था, एंड उनका मैंने वीडियो एक बार देखा था, उन्होंने बोला था कि यार पढ़ना है तो पढ़ना है, बस इतना ही सिंपल चीज़ उन्होंने बोली थी। तो मुझे भी यही लगा कि यार प्रिपरेशन में आया तो बस पढ़ना है, वी कैन नॉट गो बैक, और कुछ काम तो है नहीं, तो बस यही करना है, डेली बस पढ़ना है। और फिर और ऐसा रहता था कि दिन भर में मैं थोड़ा TV भी देखता था, घर में था तो मैं TV भी देखता था, दोस्तों से बात भी कर लेता था, बट एक लिमिटेड टाइम में, जैसे आधे घंटे का कभी टाइम मिला तो उसमें ऐसा कर लिया। तो यू शुड गिव सम थिंग्स लाइक दिस कि यार हर दिन पढ़ाई भी कर रहे हैं और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, और डेली इस तरह से आप एक साल तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल आपके लग जाते हैं। सो डेली मोटिवेशन के लिए यू शुड डू थिंग्स लाइक दिस। राइट, सो एवरेज कितने घंटे डेली पढ़ते थे आप? घंटे जैसे घंटे तो मैं जब जब कोचिंग कर रहा था तब मैं अबाउट 10 घंटे हो जाते थे मेरे, 10 से 12 घंटे हो जाते थे इंक्लूडिंग कोचिंग का जो टाइम है, तो कोचिंग में 5 घंटे क्लासेस होती थी, बाकी उसके अलावा 6-7 घंटे पढ़ लेते थे। जब कोचिंग खत्म हो गई तो बस पूरा टाइम फ्री रहता था अपने पास, तो उस समय भी 10 से 11 घंटे, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक था और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको टाइम भी नहीं मिलता था, तो यू शुड गिव मोर टाइम, और उसके फिर प्रीलिम्स मेंस के बीच में भी फिर वही, सो 12 घंटे अबाउट एवरेज मेरा हो जाता था जब। और एक और चीज़ की ऐसा नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ने बैठ हाँ तो बस 12 घंटे पढ़े ही जा रहा हूँ, इट्स कि मैं उतने देर बैठता था और उसमें से पढ़ता कितना देर था वो डिपेंड करता है। जब जैसे एग्जाम के एक दिन पहले तुम 12 घंटे बैठोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी 90% रहेगी, तुम 11 से 11.5 घंटे पढ़ सकते हो उसमें। प्रीलिम्स एक दिन बाद बैठोगे पढ़ने 12 घंटे तो उसमें तुम 1 घंटे ही पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग रहेगा कि अभी एग्जाम खत्म हुआ है थोड़ा चिल करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कितने घंटे तुम पढ़ते हो, इट्स अबाउट कि उसमें कितना टाइम एक्चुअली तुम इफिशियंटली पढ़ पाते हो। इंटरव्यू वगैरह है तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा था, क्योंकि मेंस हो जाने के बाद काफ़ी टाइम मिला होगा आपको इंटरव्यू के लिए,
तो इंटरव्यू के लिए आई थिंक प्रिपरेशन टाइम में तो कुछ अलग किया नहीं होगा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं. सो इंटरव्यू बेस जब खत्म होता है मेरा, सितंबर 25 को खत्म हुआ था, उसके बाद मैं सोच लिया था जब तक रिजल्ट नहीं आने वाला मैं बस चिल करूंगा. मैं कुछ नहीं पढ़ता था उसके बाद डेढ़ महीने तक, क्योंकि 17 महीने तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था उसके पहले, 15-17 महीने. सो मैं डेढ़ महीने बस घूमता फिरता था, दोस्तों से बात करता था और टीवी वगैरह यूट्यूब ये सब देखता था. उसके जब रिजल्ट का दिन नजदीक आने लगा कि अब 10 दिन बाद रिजल्ट आने लगा आ जाएगा मेंस का, तो टेंशन होने लगी कि अब थोड़ा पढ़ने बैठ जाते हैं. सो थोड़ा पढ़ने बैठ गए थे, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह पढ़ने लगे थे कि यार नहीं आएगा मेंस का रिजल्ट तो क्या करेंगे. बट रिजल्ट आया और हो गया, तब सोचा कि अब प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की. सो कुछ पता नहीं होता जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रहते हो कि इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है क्या क्या करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे. कभी लगता है कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट उसके भी एक्सेप्शन निकल आते हैं. कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे उनके भी कम मार्क्स आ गए थे. कभी लगता है बहुत अच्छी इंग्लिश होगी तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये भी नहीं है, इसके भी बहुत एक्सेप्शन है. सो इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जो सबसे अनसर्टन है और इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है किस बेसिस पे आपके मार्क्स आएंगे. सो मेरा एक ये था कि एटलीस्ट मैं दो चीज़ों पे फोकस करूंगा, एक मेरा डेफ और दूसरा जीएस और ऑप्शनल. सो ऑप्शनल को मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करा जो बेसिक चीज़ें थी, और जीएस में मैंने स्पेशली आईआर को देखा था, पॉलिटी को देखा था, इकोनॉमी को देखा था और एग्रीकल्चर को देखा था और थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री को देखा था, क्योंकि मुझे लगा इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आते हैं. इसके अलावा मैं टॉपर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स डाउनलोड कर ली थी जो लास्ट ईयर जो भी जिन लोगों ने भी इंटरव्यू दिए थे, और उन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ता था. उससे पता चल गया कि यार किस रेंज में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है. और ये जब हो गया उसके बाद डेफ पे भी फोकस करा मैंने, जैसे मेरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, ये बहुत कम लोग करते हैं. सो मुझे लगा कि इससे तो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे मेरे इंटरव्यू में. सो मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर करा था और इससे क्वेश्चन भी आए थे, अबाउट 5-6 क्वेश्चन मेरे इससे आए थे. और मेरी होम स्टेट से एक क्वेश्चन आया था तो उसको मैंने प्रिपेयर करा था. सो इंटरव्यू में बेसिकली आप अपने डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने जो अपने क्लास नोट्स बनाए हैं जो भी जीएस के पेपर्स हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ऑप्शनल को थोड़ा देख लो. एंड देन एक और चीज मैं करता था, लास्ट ईयर जिन लोगों को भी 190+ मार्क्स आए थे इंटरव्यू में उनके मैंने वीडियोज डाउनलोड कर लिए थे और उनका वीडियो मैं प्ले करता था. उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं खुद से पहले आंसर करने की कोशिश करता था, फिर प्ले करता था कि उन्होंने कैसा आंसर किया है. तो उससे मैं खुद को कंपेयर करता था उनसे. ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे जिसको मैं आंसर नहीं कर सकता हूं. बट जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते थे हम दोनों के बैकग्राउंड में तो मैं उनको आंसर करता था और उससे खुद को कंपेयर करता था कि मैं कहां लाई कर रहा हूं. तो शायद ये सारी चीजें काम करी और ओवरऑल जब इंटरव्यू भी दिया था तो अच्छा गया था इंटरव्यू और उन लोगों ने वो लोग हंसे भी थे एक दो बातों पे. एंड इस तरह से फिर अबाउट 182 मेरे मार्क्स आ गए थे. सो ओवरऑल आई प्रिपेयर्ड. अच्छा ऐसी क्या बात पे हंसे? उन्होंने मुझसे पूछा था, चेयरमैन सर थे चौबे सर, उन्होंने पूछा था कि एंथ्रोपोलॉजी है, यू हैव एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल एकदम लास्ट में, सो लेट मी पुल योर लेग. उन्होंने पूछा कि सिंस बंदर से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं, सो बंदर भी अभी भी क्यों बंदर हैं, लाइक व्हाई डोंट दे इवॉल्व टू ह्यूमन बींग्स. सो मैंने उनको पहले अपना एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज से बताया कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग्स का एंड क्यों अभी भी वी हैव मंकीज. बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे और फिर एक दो क्वेश्चन पे मैंने काउंटर आंसर्स भी करा उनको. फिर भी वो पूछ रहे थे कि स्टिल अभी भी बंदर क्यों है, कि वो देखते नहीं होंगे ह्यूमन बींग्स इतने ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं तो उनको मन नहीं करता हो कि मैं भी हम भी ह्यूमन बींग बन जाए, इतने डेवलप कर जाए हम भी. तो फिर मैं बोला कि सर शायद दे मस्ट बी सीइंग कि ह्यूमन बींग्स डिस्पाइट सो मच ऑफ डेवलपमेंट दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो इट्स रादर बेटर टू स्टे ऑन द ट्रीज. जब मैंने ऐसा बोला तो सारे मेंबर्स हंसने लगे थे. तो भाई तो एकदम लास्ट का मोमेंट था वो. तो जब इंटरव्यू अच्छे मोमेंट पे एंड हुआ तो शायद उससे अच्छे मार्क्स भी आ गए. ओके सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने क्लियर किया तो कुछ यूनिक टिप्स फॉलो तो करते होंगे आप, तो कुछ ऐसा कुछ था जो आप शेयर करना चाहेंगे? एकदम यूनिक तो मैं नहीं बोलूंगा कि जो किसी भी ने भी नहीं करा होगा, क्योंकि मैंने देखा कि जो भी मैं सोचता था कि मैंने यूनिक करा है वो किसी ना किसी टॉपर ने पहले भी कर रखा था. सो बट जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे कि टॉपर की कॉपीज डाउनलोड करके उनके आंसर देके खुद का आंसर लिखना और फिर उनके आंसर से खुद के आंसर को कंपेयर करना, ये मैं डेली करता था और ये बहुत ही हेल्पफुल थी, ये मैं एक चीज़ बताऊंगा. और दूसरी चीज़ कि मेंस में स्पेशली आपको बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स ये सारी चीज़ें याद करनी होती हैं.